हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिएटिव कंचन। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ही रेडी हो चुकी हूँ, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को भी साथ में लेकर चलूंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक, क्योंकि ये ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरे हर ब्लॉग इंटरेस्टिंग होते ही हैं और बहुत बहुत ही मजेदार भी होते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। So guys, मैं पहुंच गई हूँ विंध्याचल के गंगा नदी के पास। तो आप जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ से व्यूज़ इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। सो हाँ गाइस, आज वो दिन आ चुका है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। आज है सम्यक का मुंडन। तो यही देखिए भैया हैं, और पानी अच्छे से लगा रहे हैं उसके बाल में, और बाल को पूरे अच्छे से भिगा रहे हैं, थोड़ा मसाज सा दे रहे हैं उसे, ताकि हेयर कटिंग में उसकी मतलब कटे वगैरह नहीं। तो इसलिए तो यही है, इसका मुंडन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे विंध्याचल माता जी का यहाँ पे है मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसका भी वीडियो मैंने बनाई हूँ मैं, वो आगे आएगा अगले वीडियो में, मैं वही दिखाऊंगी। और मैंने यहाँ पे ओरिजिनल साउंड रहने दिया है कि क्या क्या कन्वर्सेशन चल रहे हैं और लोकल लैंग्वेज कैसे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, अभी ये बजाने वाले भैया हैं, तो वो बाजा बजाते हैं, तो उन्हीं से कन्वर्सेशन चल रहा है। तो साउंड मैंने ओरिजिनल ही रहने दिया है, ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें, और आप ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक तरफ
नहीं 251 251 दीजिए ना अवला का हो कहा तकलीफ ना होगी अंधेरी लगे तना लगी। मुंडन कराने के बाद हम लोग जा रहे हैं नदी में, गंगा नदी में, तो उसी में हम लोग बाल चढ़ा देंगे गंगा नदी में ही, और उसके बाद स्नान करेंगे हम चारों परिवार, और उसके बाद देवी माता के दर्शन करेंगे। तो ये देखिए गंगा नदी घाट का ये सीन है, और इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से उतर के हम लोग नीचे आए हैं। ये देखिए पूरा ऊपर तक है, और घाट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो अगर आप आने की अगर सोच रहे हैं तो मेरे तरफ से गो अहेड, आप लोग जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा लगता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया। सो गाइस, अब हम लोग बैठ गए हैं इस बोट में और जा रहे हैं गंगा नदी के बीच में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मतलब गंगा जी में मैं नहाने जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna नहाते समय हम सभी ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। कनिष्क भी बहुत ज़्यादा खुश था और सम्यक भी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत अच्छे से लोग ये दोनों नहा रहे थे, और कनिष्क तो बिल्कुल निकलने को तैयार ही नहीं था। हमारा वीडियो लेने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड और सम्यक और कनिष्क का साथ में फ़ोटो डाल रही हूँ। तो ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किए थे वहाँ पे। सो गाइस, नहा लेने के बाद और पूजा कर लेने के बाद हम लोग वापस आ गए। तो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और नए व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।